धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। युवा प्रत्याशी भावी प्रधान राम बाबू पटेल की विचारधाराएं। प्रयागराज जिले के करछना तहसील के ब्लॉक कौंधियारा से ग्राम पंचायत क्षेत्र बारी बजिया में अब की बार नव युवक प्रत्याशी राम बाबू पटेल जी अपने क्षेत्र के विकास के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने ग्राम सभा की जनता से वहां हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ एक बार अपने ग्राम सभा के होनहार प्रत्याशी राम बाबू पटेल को एक अवसर देने की गुजारिश कर रहे हैं। गांव के सभी माता पिता व भाई बहन सभी लोग का साथ चाहिए और एक बार राम बाबू पटेल का साथ देकर भारी बहुमत से विजयी बनाए ताकि सबकी योजना सबका विकास की लड़ाई लड़ सके। ग्राम सभा बारी बजिया में इनके जैसा होनहार व पढ़ा लिखा सच्चाई बोलने वाला और कोई भी प्रत्याशी इनसे टक्कर नहीं ले सकता। और आइए भावी प्रधान राम बाबू पटेल के ग्राम सभा के बारे में और जनता के प्रति क्या विचारधाराएं हैं। प्रयागराज जिले से सुहेल अकरम की रिपोर्ट। विकास में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता दूं। रास्ता हुआ, नाली हुआ और जो समस्याएं हैं जैसे तालाब की समस्या, यही सबसे बड़ी समस्या है। इन सबको दुरुस्त करने की मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और क्या आपको लगता है कि आपके ग्राम सभा के लोग क्या आपको लाइक कर रहे हैं? देखिए, हम ग्राम सभा में आते जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो लोगों के मन में क्या है क्या नहीं, अब लोग युवा प्रत्याशी चाहते हैं या बुजुर्ग प्रत्याशी चाहते हैं, ये तो जनता के हाथ में है। फिर भी हम लोगों के रोड़ हैं, जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं कि भाई हमको एक बार सेवा करने का मौका दो और अन्य प्रधानों की अपेक्षा हमारी तुलना बाली के लिएगा कि मैं अच्छा हूँ या खराब हूँ। अक्सर देखने को मिलता है कि जो भी प्रधान कई गांव के जैसे होते हैं कि अगर शौचालय आता है तो उसका शौचालय का भी पैसा घोटाला कर देते हैं, आवास आता है तो आवास के भी उसमें घोटाला कर देते हैं। क्या अगर आप जीतते हैं तो क्या ऐसा आपका कुछ रहेगा क्या? नहीं नहीं, ये सब गलत चीज़ें हैं। जिनका जो हक है उनको पूर्ण रूप से दिलाया जाए और हर विकास जो आ रहा है, हर विकास लोगों तक हमेशा जागरूक रहे कि ये योजना आई है, हमारा इस तरह से हमेशा आदेश रहेगा, लोगों के पास, हर लोगों के पास आवाज जाएगी कि ये योजना आई है और लोग अपना करके उसमें से चुने भाई जो योग्य हो उसको मिलेगा, जो योग्य नहीं है तो भाई उसके लिए कोई बातें नहीं। क्या ये भी होता है कि पहले चुनाव का कुछ नारा था, क्या अभी 2021 का कोई आपको नारा भी आपने तैयार किया? नहीं, नारा वारा भैया कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों से हाथ मुँह जोड़ के निवेदन है कि वह हमको एक बार अवसर दें कि मैं ग्राम सभा की सेवा और विकास का क्या प्रोग्राम तैयार करूँ। आप लोगों ने अभी तक देखा हमारे सामने रामबाबू पटेल जो कि बारी बजैया के भावी प्रधान हैं और ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और समाज की सेवा करते ही आ रहे हैं और इनकी एक मंशा है कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ अपने ग्राम सभा में तो जो कार्य छूटा है या जो कार्य अभी आया नहीं, जो प्रधान वर्तमान प्रधान की तरफ से नहीं हुआ है, अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो निश्चित रूप से ये काम मैं पूरा कराऊँगा। मैं सुहेल अकरम, इंडिया पोस्ट न्यूज़।